हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों, जो भी बच्चे ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सभी को दिक्कतें आई जा रही हैं कि कभी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा, कभी आंसर शीट अपलोड नहीं हो रही। तो ये सभी दिक्कतें कुछ ना कुछ देखने को मिल रही हैं, कभी मेल सेंड नहीं हो रहा। तो दोस्तों, इन सभी के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना बयान जारी किया है कि उन्होंने एक बात कही है। तो क्या बात बताइए, तो मैं इस न्यूज़ के जरिए आपको खबर बता देता हूँ दोस्तों। तो ड्यू ओपन बुक एग्ज़ाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा छात्र सफलतापूर्वक दे रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि छात्र ओपन बुक एग्ज़ाम सफलतापूर्वक दे रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो नीचे उन्होंने क्या बताया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को कहा कि अंतिम वर्ष के छात्र ने पिछले 4 दिनों में सफलतापूर्वक ओपन बुक एग्ज़ाम दिए हैं। यानी 4 दिन तक सफलतापूर्वक एग्ज़ाम दिए, ओपन बुक एग्ज़ाम दिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने रेगुलर और ओपन स्कूल की अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम आयोजित कराने का निर्णय लिया था। एक अधिकारी बयान में कहा गया कि पिछले 4 दिन में छात्रों ने ड्यू के OBE ओपन बुक एग्ज़ाम पोर्टल पर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को सफलतापूर्वक करके सबमिट किया है। यानी ये दोस्तों 4 दिन के अंदर जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सफलतापूर्वक हुए हैं, यह दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है। बता दें कि ओपन बुक एग्ज़ाम में उम्मीदवारों का प्रश्न पत्र डाउनलोड करके पेपर लिखना होता है और इसके बाद उत्तर पुस्तिका को दिल्ली यूनिवर्सिटी की OBE एग्ज़ाम पर पोर्टल पर अपलोड करना होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को ईमेल के माध्यम से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को जमा कराने का विकल्प दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह रिपोर्ट उस समय जारी किया जब ड्यू की ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर छात्र तकनीकी और इंटरनेट स्लो होने की दिक्कतों को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। कई उम्मीदवारों की शिकायत है कि वे अपनी उत्तर पुस्तिका अपलोड नहीं कर पाए। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र दीपक गुप्ता ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि वह पूर्व 11:30 बजे के निर्धारित समय से पहले अपनी उत्तर पुस्तिका को सफलतापूर्वक अपलोड कर पाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा PDF फाइल समाप्त करने तक 11:28 बज गए थे, तो मैंने उन्हें अपलोड करने की कोशिश की लेकिन वे अपलोड नहीं हुए। मैंने उन्हें निर्दिष्ट ID पर मेल दिया लेकिन यह नहीं जानते कि उन्हें स्वीकार किया जाएगा या नहीं। यानी दोस्तों, उन्होंने 11:30 बजे के बाद जो मेल किया है तो उन्हें यकीन नहीं कि स्वीकार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये छात्रों की भी दिक्कत है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बता दें कि इन्हें स्वीकार किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए बनाया गया था मेल ID कि अगर आप अपने पोर्टल पर कोई उत्तर पुस्तिका अपनी अपलोड नहीं कर पाते हैं तो वह मेल के थ्रू आप अपलोड करके उन्हें सेंड भेज सकते हैं। तो ये आई थिंक स्वीकार है, ठीक है दोस्तों। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एक छात्र जुबेर खान ने कहा डेट शीट के अनुसार आज मेरी हिंदी की परीक्षा थी। जब मैंने प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए पोर्टल खोला तो मैंने पाया कि 2 प्रश्न पत्र अपलोड किए गए थे, एक हिंदी और दूसरा जिसका पेपर 13 अगस्त के लिए निर्धारित है। मैंने SOL को मेल भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक प्रोफेसर से सलाह ली जिसने मुझे आज के लिए निर्धारित पेपर देने की सलाह दी। तो दोस्तों, यही बच्चों में दिक्कतें आ रही हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो बस दोस्तों, यही जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू।